हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, यू आर वेलकम इन ऑनलाइन क्लासेज स्टडी प्रोग्राम। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन में आपको मैंने ऑलमोस्ट सारा पोर्शन पढ़ा दिया है। अब जो रिमेनिंग पोर्शन इसमें जो है उसको हम लास्ट, आज हमारा टॉपिक लास्ट इसके बारे में है जो हम डिस्कस कर ले। इतने अच्छे लेवल पे जाके हमने डिस्कस कर लिया, तो अब ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपको बेसिक जो फिजिक्स में मैथ का यूज हो रहा है कि वो आपको नहीं आ रहा हो। ठीक है, जैसे हमने लास्ट क्लास में यू अपॉन वी वी फॉर्म में देख ली। मैं अपवाद रिवाइज कर देता हूं कि आपने कौन कौन से फॉर्मूले देख लिए हैं कि अगर कोई फंक्शन x की पावर n में है तो उसका क्या होता है, n x की पावर n माइनस वन। इसके कुछ एग्जांपल, जैसे y इज इक्वल टू x की क्यूब का डिफरेंशिएशन करना है तो क्या करोगे, इस फॉर्म में हो गया तो x की पावर कितनी है, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, थ्री। तो यहाँ पे कितना कर रहे हो आप, 3x की पावर 3 माइनस वन, यानी फॉर्मूला x की पावर n वाला है तो n यहाँ पे सामने आती है और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट होता है तो n की वैल्यू यहाँ 3 है तो 3x की पावर 3 माइनस वन, ऐसे फॉर्म में देख ली। सेकंड हमने देखा था कि अगर कोई भी कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो, अगर कहीं पे भी कांस्टेंट वैल्यू आती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा y इक्वल टू 5 का डिफरेंशिएशन, तो हम जानते हैं कि 5 इज ए कांस्टेंट और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, जीरो। 5 आ रहा है, 2 आएगा, पाई आया, या जैसे फॉर एग्जांपल पाई, या मैं कहता a, इनका सबका डिफरेंशिएशन कितना, जीरो। ओके, कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन जीरो, ऐसा देख लिया। थर्ड फॉर्मूला अपन ने देखा था डी बाई डी एक्स के एक्स स्क्वायर, तो इसका आता था के एक्स की पावर एन, तो इसका फॉर्मूला था के एन एक्स की पावर एन माइनस वन, वेर के इज कांस्टेंट, जहां पे के क्या एक कांस्टेंट है। ऐसे कुछ एग्जांपल पे तौर पे वाई इक्वल टू 5x स्क्वायर, तो देखो केवल 5 आता, ओनली 5 होता तो डिफरेंशिएशन कितना, जीरो, और केवल एक्स स्क्वायर होता तो उसका डिफरेंशिएशन 2x। ओके, लेकिन ऐसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 5 तो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर का क्या होगा, एक्स की पावर एन की फॉर्म से एन एक्स की पावर एन माइनस वन, एन की वैल्यू कितनी है यहां पर, 2, एन की वैल्यू 2 है तो 2x की पावर 2 माइनस वन, तो कितना हो गया 10x, 5 10 और x की पावर 2 माइनस वन कितना होता है, 1। ओके, ये देख लिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास आया कि d बाई डी एक्स log x, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x, log x का डिफरेंशिएशन 1/x। ये फॉर्मूला 3 और ये 4 फॉर्मूला। फिफ्थ फॉर्मूला, अगर आपके पास आया e की पावर x, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, e की पावर x होता है। 6, डी बाई डी एक्स ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ए की पावर एक्स लॉग ए होता है। और ये 6 फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के, हम इसके बाद में डिस्कस करते हैं। ठीक है, यहां तक। अगर कोई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आते हैं तो उनके डिफरेंशिएशन कैसे होते हैं वो मैं आपको आगे बताता हूं। ठीक है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, इनके डिफरेंसेस हम किस तरीके से करेंगे वो हम यहाँ आगे पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको मैंने ये बताया, वीडियो आप पॉज करके आराम से उनके देखिए, फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए। ओके, अगर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ गए, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ गए जैसे डी बाई डी एक्स साइन एक्स, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स। डी बाई डी एक्स, अगर कोस एक्स आया तो उसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, माइनस का साइन एक्स, कोस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन एक्स। डी बाई डी एक्स, अगर आपके पास टेन एक्स आया तो टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, और अगर आपके पास जैसे 10 के बाद में अगर sec x आया तो sec x का होता है sec x इंटू 10 x,
यहां पे डॉट का मतलब ये मल्टीप्लाई में, तो सेक एक्स डॉट टेन एक्स। अगर आपके पास कॉट एक्स आया तो उसका क्या होगा, माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स होगा। अगर आपके पास कोसेक एक्स का आया तो क्या होगा, माइनस का कोसेक एक्स डॉट कॉट एक्स। देखो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, और सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स डॉट टेन एक्स, और कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स और कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री, और बेसिकली जो आपके फिजिक्स में जो यूज आएगा वो 95% यही साइन एक्स और कॉस एक्स में ही आपका इनका यूज आएगा। ज्यादातर साइन एक्स और कॉस एक्स का ही डिफरेंशिएशन आपको यूज करना है बार बार, इसलिए इसको ध्यान में रखना। इसके अलावा और अगर आपके पास अगर यू डॉट वी का अगर कोई फंक्शन हो तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, यू को ऐसा कैसा रखा, वी का डिफरेंशिएशन किया प्लस वी को ऐसा कैसा रखा और यू का क्या किया आपने, डिफरेंशिएशन किया। नाइन फॉर्मूला, अगर आपके पास कोई फंक्शन यू अपॉन वी की फॉर्म में आया तो उसका फुल फॉर्मूला क्या है, वी का स्क्वायर करोगे, वी को ऐसा कैसा रखोगे, यू का डिफरेंशिएशन करोगे, माइनस यू ऐसा कैसा और वी का आप क्या करोगे, डिफरेंशिएशन। यही फॉर्मूले हैं जो आपके काम में आते हैं। मैंने सारे फॉर्मूले बता दिए हैं कि यहाँ जितने भी आपने अभी तक डिफरेंशिएशन में इसको यूज किया, इस पर बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने कर लिए हैं, और आज हम डिफरेंशिएशन को फिनिश करते हैं। कल से हमारा एक नया फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इंटीग्रेशन। ओके, जिससे अब कुछ बेसिक एग्जाम्पल है चैन रूल के, वो और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कहीं पे ऐसे आ गया वाई स्क्वायर इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, ऐसा फंक्शन आ गया, तो आपको कहे कि फाइंड डी वाई बाय डी एक्स। तो इसको आप लिख सकते हो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट साइन एक्स स्क्वायर। वाई का इधर क्या तो रूट आ गया। ओके, अब रूट का डिफरेंशिएशन मैं आपको एक बार फिर से रिपीट करता हूं, बच्चा इसको बहुत बड़ा फॉर्म में करता है तो आप एक बार ध्यान रखो। जैसे मैंने दिया आपको डिफरेंशिएशन दिया y इज इक्वल टू रूट एक्स, रूट एक्स का मतलब क्या होता है, x की पावर 1 बाय 2। तो dy बाय dx ये x की पावर n वाली फॉर्म हो गई, तो n आ गया और n में से क्या करोगे आप, 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, 1 बाय 2 एक्स की पावर -1/2। 1/2 -1 कितना होता है, -1/2। और आपको पता है कि नीचे जाने पर इसकी पावर क्या हो जाएगी, ये x अगर आप यहां आया तो x की पावर कितनी हो जाएगी, +1/2। आपको पता है कि ऊपर या नीचे जाने पर पावर का जो साइन होता है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की पावर +1/2, और x की पावर 1/2 को आप क्या लिख सकते हो, रूट एक्स। तो dy बाय dx क्या निकल के आया, 1/2 रूट एक्स, यानी कि आपको पता है कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। हाँ, यहाँ रूट एक्स की जगह साइन एक्स होता तो 1/2 रूट साइन एक्स और साइन एक्स का आगे कॉस एक्स हो जाता, यानी जो रूट का डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है, 1/2 रूट एक्स। तो यहाँ रूट है तो इसका डिफरेंशिएशन करना है हमें, तो रूट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/2 रूट, और जो यहाँ आया, यहाँ एक्स था तो यहाँ एक्स है, यहाँ कोस एक्स होता तो कोस एक्स रहता, टेन एक्स होता टेन एक्स रहता, यहाँ साइन एक्स स्क्वायर है तो यहाँ क्या आएगा, साइन एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या आएगा, साइन एक्स स्क्वायर। अब देखो रूट का हो गया, उसके बाद में साइन का करेंगे चेन रूल से, भाई रूट का हो गया इसके बाद में किसका, साइन का, साइन का क्या होता है कोस, यहाँ एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, यहाँ 2x तो 2xx, यहाँ 10x तो 10x होता। ओके, रूट का हो गया, साइन का हो गया, अब अभी किसका करना है, एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, पावर कितनी है, 2 - 1 यानी 1, ये आपका क्या हो गया, इसका डिफरेंशिएशन हो गया। इतने हार्ड लेवल पे इन पे
नहीं आते हैं, बेसिक आपके मैथमेटिक्स आती है जो हमने प्रॉपर यहाँ पे डिस्कस कर ली है। फिर एक दो एग्जांपल मैं और डिस्कस कर लेता हूं। जैसे अगर आपको ऐसा कोई फंक्शन आता y इज इक्वल टू रूट साइन रूट x, मान लो ये फंक्शन, इसका डिफरेंशिएशन करना, dy बाय dx निकालना हो। अभी अभी हमने डिस्कस किया था y इज इक्वल टू अगर रूट x आया तो रूट x का डिफरेंशिएशन क्या किया था, 1 अपॉन 2 रूट x, यानी रूट का जो डिफरेंशिएशन होता है वह 1 अपॉन 2 रूट होता है। तो यहाँ dy बाय dx, तो यहाँ रूट लगा हुआ है तो रूट का डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन 2 रूट, और जो रूट में है तो रूट में क्या है, साइन रूट x। जो फंक्शन है इस बड़े वाले रूट का किया, एक नंबर पे आप इसका करोगे, दूसरे नंबर पे साइन का करोगे, फिर तीसरे नंबर पे इसका करोगे, चौथे नंबर पे इसका करोगे, ऐसे आगे से ऊपर से, सबसे पहले ये, फिर ये, फिर ये और फिर इसका। ओके, तो देखो आपने यहाँ पे किसका डिफरेंशिएशन किया, बड़े वाले रूट का, तो रूट का क्या होता है 1/2 रूट, तो 1/2 रूट हो गया। अब किसका करना है, मल्टीप्लाई करते हुए आगे, साइन का क्या होता है कोस, यहाँ पे एक्स की जगह क्या है रूट एक्स, तो रूट एक्स को आप ऐसा कैसा लिख दो, साइन का हो गया। फिर इस रूट का करना है तो रूट का क्या होता है 1/2 रूट एक्स, और एक्स का करोगे तो एक्स का कितना होता है 1, एक्स का कितना होता है 1, ये सारा हमने डिफरेंशिएशन कर लिया। आपको कोई प्रॉब्लम हो ठीक है। एक लास्ट फॉर्म है जो मैं आपको समझा देता हूं। अगर आपके पास कई बार एक्स का और वाई का फंक्शन दिया हुआ रहता है किसी थर्ड फंक्शन में, जैसे वाई इज इक्वल टू दे दिया आपको 4t² और एक्स इज इक्वल टू दे दिया आपको 2t+3, और आपसे कहा जाए कि फाइंड dy बाय dx, आपको dy बाय dx निकालना है। अब ऐसे फंक्शन क्या करोगे, तो y भी जो फंक्शन है आपका वो t का फंक्शन है भाई, t के फॉर्म में, और x भी आपका किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है। तो ऐसे फंक्शन आपको बीच बीच में कहीं पे आपके जहां यूज आएंगे तो ऐसे पता करना होता है कि हमें dy बाय dx कैसे निकालेंगे, हम dy बाय dx कैसे निकालेंगे। तो सबसे अच्छा तरीका, क्या मैं dy बाय dx तो ऐसा लिख सकता हूं, dy बाय dt अपॉन dx बाय dt, dt से dt कैंसिल, बचेगा क्या dy बाय dx, यानी dy की जगह dy बाय dt, dx की जगह dx बाय dt, dt से dt कैंसिल। यानी कि अगर ये t का फंक्शन है, इसलिए अगर ये मान लो कि फॉर एग्जाम्पल a का फंक्शन होता तो dy बाई da और dx बाई da, da से da कैंसिल हो जाता, तो dy बाई dt यहां से निकाल लो, तो dy बाई dt क्या आया 4, और t स्क्वायर का करोगे t की पावर n की तरीके से तो 2t^(-1), तो कितना हो जाएगा 4×2t^(1) को लिखने की जरूरत नहीं है, तो कितना हो जाएगा 8t। तो यहां से dy बाई dt कितना आया 8t। ओके, ऐसे आप dx बाई dt निकाल लो, dx बाई dt निकालोगे तो 2t का क्या होता है 1 और 3 का क्या होगा 0, तो dx बाई dt कितना आया यहां से 2, dx बाई dt कितना आया 2। तो अब यहां से आपको क्या निकालना है dy बाई dx, मैंने आपको अभी भी बताया था dy बाई dt अपॉन dx बाई dt, यहां से वैल्यू पुट करो तो dy बाई dt की वैल्यू कितनी है 8t, यहां से वैल्यू पुट की 8t, और dx बाई dt की वैल्यू कितनी है 2, यहां से वैल्यू पुट की 2, 2 से 8 कैंसिल 4 टाइम, तो कितना आया आंसर 4t, कितना आंसर आया 4t। देखो अगर y t का फंक्शन, x भी t का फंक्शन, और dy बाई dx निकालना है तो आप इसका x के रिस्पेक्ट में करोगे, x तो है ही नहीं है क्योंकि x खुद वेरिएबल है और y भी वेरिएबल है, लेकिन किसके फंक्शन में t के, तो dy बाई dt अपॉन dx बाई dt, dt से dt कैंसिल, तो बचेगा क्या dy बाई dx, बचेगा क्या इधर से dy बाई dx, तो आप dy बाई dx को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। ओके, तो यहां से आपने करके देखे, एक एग्जाम्पल, लास्ट एक एग्जाम्पल मैं आपको समझा देता हूं यहां पे।
ओके, जैसे जैसे आपके पास आया y इज इक्वल टू फाइव आर स्क्वायर प्लस टू आर प्लस वन, और x इज इक्वल टू गिवन है आपके पास टू आर माइनस थ्री, और आपको कहा जाए फाइंड dy by dx, कि आपको dy by dx निकालना है। यहां y का भी r का फंक्शन है और x भी किसका फंक्शन है, r। y भी किस में दिया हुआ है, r के फंक्शन में दिया हुआ है, और x भी किस में दिया हुआ है, r के फंक्शन में दिया हुआ है। तो सबसे अच्छा तरीका dy by dx निकालने का, dy by dx निकालने का क्या तरीका होगा, dy by dr निकालो अपॉन dx by dr निकालो, dr से dr भाई, x का आप r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, y का r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। ये t स्क्वायर ऐसे होता है 5t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 या 2t माइनस 3, तो आप क्या करते हैं dy by dt निकालते हैं और dx by dt कैलकुलेट करते हैं। तो यहां dy by dx है तो क्या कैलकुलेट करोगे, dy by dr, और dx है तो dx by dr, तो ओके कैलकुलेट करो dy by dr। तो सबसे पहले आप निकाल लो dy by dr, dy by dr तो इसका डिफरेंशिएशन r के रेस्पेक्ट में, तो 5 डी बाई डी आर आर स्क्वायर कर लोगे प्लस टू आर डी बाई डी आर आर का डिफरेंशियल प्लस डी वाई बाई डी आर वन का डिफरेंशियल। देखो आर के रिस्पेक्ट में फाइव तो कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, आर स्क्वायर का क्या करो डी बाई डी आर, इसका आर स्क्वायर प्लस टू कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, इसका डी आर वाई डी आर प्लस डी बाई डी आर और वन का भी कर दोगे, ओके फाइव आर स्क्वायर का क्या होगा पावर आ गई टू और पावर में से वन सब्ट्रैक्ट प्लस टू डी आर बाई आर का कितना होगा वन आर के और वन का कितना होगा जीरो, तो कितना हो जाएगा टेन आर प्लस टू, कितना हो गया टेन आर प्लस टू। अब आप यहां देखो आपको डीएक्स बाई डी आर कैलकुलेट करना है इसका इसके रेस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा टू डी बाई डी आर आर का होगा माइनस डी बाई डी आर थ्री का, कैसे देखो टू कॉन्स्टेंट बाहर आया आर का करना है तो डी बाई आर बाई डी आर माइनस माइनस और फिर थ्री का करना है तो थ्री कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, आर का कितना होता है वन, तो कितना बचेगा टू डीएक्स बाई डी आर कितना बचा टू, और ये मान लो इक्वेशन नंबर वन है तो इक्वेशन वन में वैल्यू पुट कर दो, ये इक्वेशन टू ये इक्वेशन थ्री, ये क्या है डी वाई बाई डी आर फ्रॉम इक्वेशन वन टू, इक्वेशन वन टू एंड टू एंड थ्री से, फ्रॉम इक्वेशन वन टू थ्री से, इक्वेशन वन में इक्वेशन टू और इक्वेशन थ्री की वैल्यू पुट करोगे तो डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी आर, डी वाई बाई डी आर कितना टेन आर प्लस टू अपॉन डी एक्स बाई डी आर, डी एक्स बाई डी आर कितना टू, चाहो तो इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा तो कितना बचेगा 5r प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, भाई इसमें से 2 कॉमन आया तो 5r प्लस 1 यानी 10r प्लस 2, 2 से 2 कैंसिल तो dy बाय dx कितना आया 5r प्लस 1, ओके ओके। फर्दर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, थैंक यू।